दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ रिविजन ऑफ एचटीएमएल लैंग्वेज. अगेन वी हैव टू सॉल्व इट चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड समराइज थिंग वी हैव टू डिस्कस इट. नाउ फर्स्ट थिंग दैट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट एचटीएमएल फ्रेम. Then how to link audio, video and CSS. The meaning of CSS is cascading style sheet. Now first thing, HTML allow us to embedded media files such as audio or video to make the web form more interactive. We can add audio and video file like mp3 file and mp4 file. HTML support it, this media file, and this media file you can add it in your HTML page. And HTML is a basically text based language. Previous lectures we have already seen this thing. So audio and video file we can add it. Audio or video file mein hum usko jod sakte hain फाइल्स को. MP3 फाइल होती है, MP4 फाइल होती है, इन फाइल्स को हम जोड़ते हैं. फिर नेक्स्ट है द ऑडियो टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन ऑडियो फाइल HTML डॉक्यूमेंट. इट यूजेस वेरियस एट्रीब्यूट सच एस SRC कंट्रोल ऑटो प्ले लूप म्यूटेड. ऑडियो इज अ टैग, वी कैन एड इट ऑडियो फाइल. ऑडियो फाइल और दोज फाइल विच यू जस्ट लिसन इट. For example, MP3 file is audio file, so MP3 format file you can add it through audio text. Then various attributes also use it like SRC. SRC stands for source. Control autoplay means automatically play it. Loop means continuous process is going on. Muted, if we want to stop or if we want to mute for some time, you can use it that tag. तो आप उसको यूज कर सकते हो टैग को. इस टैग का मीनिंग ये है कि आपको कोई भी ऑडियो फाइल ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके साथ आपके पास वेरियस एट्रीब्यूट्स यूज हैं और वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो SRC, सोर्स, कंट्रोल, ऑटो प्ले, लूप, म्यूटेड. लूप मतलब बार बार उसी चीज को प्रोसेस करना. यू कैन ऑल्सो क्रिएट हाइपरलिंक्स टू एन ऑडियो फाइल. By using a tag to allow user to play the sound on clicking on the required link. Hyperlink you can click it, आप क्लिक कर सकते हो. और टैग a tag यूज करा है, दैट मीन्स आप उस चीज को क्लिक करेंगे तो hyperlink इज अ लिंक विच यू कैन क्लिक इट एंड गो टू अनदर फाइल. एंकर टैग a is a tag विच यू कैन यूज इट that hyperlink. The video tag is used to insert an video. Video आपको add करना तो video के लिए video tag is used it. Video tag normally MP4 tag is HTML document. You can use the attributes such as SRC, control, height, width with video tag. वो video tag के साथ use हो सकता है. Attributes SRC, control, height, width. You can also create a link to a video file by using a tag. A tag के साथ आप उसको use कर सकते हो. In HTML, frames are used to divide the browser window. To multiple sections so that each section can load it display separate. Exactly, frame is a separate thing, separate window which you can use it in a single page. You can open multiple page. मतलब आप एक पेज ओपन करते हैं तो मल्टीपल पेज ओपन हो सकते हैं फ्रेम के थ्रू. HTML फ्रेम एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो. सो फ्रेम यू योर वेब पेज कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शंस. आपका वेब पेज कई सेक्शंस में डिवाइड हो सकता है और वो जितने सेक्शंस अगर उस समय डिवाइड होगा सब में सेपरेट HTML फाइल होगी.
अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फिर नेक्स्ट है द फ्रेम सेट एंड फ्रेम टैग आर यूज टू क्रिएट फ्रेम्स इन एचटीएमएल. फ्रेम सेट एंड फ्रेम्स, दीज आर द वेरी फंडामेंटल फ्रेम्स विच यू कैन यूज इट एचटीएमएल में, वो यूज कर सकते हैं फ्रेम में. फ्रेम टैग डिफाइन द नेम ऑफ ईच फ्रेम एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट विल बी लोडेड एंड डिस्प्ले इन ए फ्रेम. तो फ्रेम टैग से आप डॉक्यूमेंट डिफाइन कर सकते हो और फ्रेम का नाम भी दे सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डिफाइन योर फ्रेम नेम एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट विल दैट विल बी लोडेड एंड डिस्प्ले इन फ्रेम, और फ्रेम में वो डिस्प्ले हो सकते हैं. देन इन एचटीएमएल फॉर्म्स आर यूज टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर ऑन द इंटरनेट. अब फॉर्म्स, एचटीएमएल फॉर्म्स, बेसिकली फॉर्म्स आर हैव डिफरेंट कंट्रोल्स लाइक रेडियो बटन, मल्टीपल चॉइसेस आर देयर, चेक बॉक्स, सबमिट बटन, सारी चीज़ें अवेलेबल है जिसके कारण चीज़ें दिखती है और फॉर्म एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फिर ए फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट एचटीएमएल फॉर्म. तो फॉर्म टैग से एचटीएमएल फॉर्म बनते हैं. इनपुट टाइप से स्टार्टिंग होती है. इट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्म एंड इज प्लेस इनसाइड द बॉडी सेक्शन. बॉडी सेक्शन में डिफाइन होती है इनपुट टाइप. इनपुट टैग से स्टार्ट होता है. यू कैन क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट, सबमिट बटन, रीसेट बटन, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं और क्लियर हो जाते हैं. मतलब ये सारे कंट्रोल्स यूज होते हैं लाइक टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, चेक बॉक्स, बटन, रीसेट बटन, ऑल आइटम्स चेक इट. CSS stands for cascading style sheet. It is a simple design language used for describing the presentation of an HTML document. किसी भी document में वो करने के लिए आपकी CSS use होती है. अब CSS use होती है तो उसी में explore होती चीज़ें और उसके according ही बनता है. अब CSS जो होती है, CSS file, specific आपको जैसे फॉन्ट अलग लेना हो, कलर आपको अलग लेना हो, तीन चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाना हो, तो CSS फाइल आप ले सकते हैं. CSS फाइल में वो चीज़ पुट कर दें और CSS फाइल को यूज़ कर सकते हैं. इन CSS वेरियस प्रॉपर्टीज आर यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर एन HTML एलिमेंट. एलिमेंट में अलग अलग चीज़ें डिफाइन होती हैं. The color property is used to set the text color of a document. Color property जो है text को set करने के purpose से use होती. The background color property is used to apply background color. अब background color, देखो दो चीज़ें होती. background में आप normally क्या करते हैं, background में आप या तो background का color set करते हो या background में image set करते हो. तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मली हम बैकग्राउंड कीवर्ड भी यूज़ करते हैं और बीजी कलर भी यूज़ करते हैं. फिर द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज यूज टू अप्लाई बॉर्डर इन डिफरेंट स्टाइल. अब डिफरेंट स्टाइल की बॉर्डर्स अलग अलग है, जैसे डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव. ये बॉर्डर है. डैश में सिंगल डैश आएगा, डॉटेड में डॉट्स आएंगे, सॉलिड में बिल्कुल सॉलिड आएगा, डबल में डबल चीज आ जाएगी, ग्रो. फिर द मार्जिन प्रॉपर्टी इज यूज टू क्रिएट ए स्पेस अराउंड एन एचटीएमएल ऑन द वेब पेज. तो प्रॉपर्टी उसमें भी यूज होती, मार्जिन प्रॉपर्टी. उसमें स्पेस अगर आपको देना हो फ्रंट पेज, फ्रंट लाइक लोकेशन पे, जैसे टॉप मार्जिन, मार्जिन टॉप पे भी आएगी, बॉटम पे भी आएगी, तो आपको सेट करना, स्पेसिंग देना. If you want to give some space, अगर आपको कुछ space देना है तो वो एक अलग option है, उस option पे आप काम कर सकते हो. Height and width property are used to set the height and width of an element. Height और width दोनों आप उसको दे सकते हैं और उसके according आप काम कर सकते हैं.
the outline property is used to draw an outline around the edge or border. बॉर्डर के अकॉर्डिंग में काम कर सकते हैं और बता सकते हैं. आउटलाइन प्रॉपर्टी से इज यूज टू ड्रॉ एन आउटलाइन. फिर फॉन्ट प्रॉपर्टी से फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज. फॉन्ट फैमिली मतलब फॉन्ट का नाम, फॉन्ट फेस. फॉन्ट स्टाइल मतलब रेगुलर है कि बोल्ड है कि इटैलिक है. फॉन्ट साइज यू नो वेरी वेल. तो एचटीएमएल में आपको फॉन्ट प्रॉपर्टी में तीन चीज़ें आती है, फैमिली, स्टाइल एंड साइज. So you can apply it. Fourth, text align property is used to specify the element alignment of the text. Text align का तीन alignment होते हैं basically, center, left और right. तो कोई भी alignment आप use कर सकते हो. Text align colon center, text align colon left और text align colon right. You can use it. आप कोई भी use कर सकते हो. फिर next है the float property helps to specify how an HTML element like an image should float on the web. A float property भी आप ले सकते हो. और float property helps to specify how an element HTML element like image should float on the web page. तो वेब पेज पे आप फ्लोट कर सकते हो, देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो. वेरियस प्लेसेस पे आपकी कैसे क्या जाएगी वो बताने के लिए यूज कर सकते हैं. अब इन्हीं के बेसिस पे जो हमने रिवाइज करा, इसी के बेसिस पे हम कुछ कर ले ताकि हमको क्लियर हो जाए चीजें, रिवाइज हो जाए और आपको क्लैरिटी मिले चीजों की. तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग विल यू यूज टू इंसर्ट एन ऑडियो फाइल टू एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट. एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में आपको ऑडियो फाइल ऐड करना है. तो ऑडियो और वीडियो दो फाइलें आपकी ऐड होती है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में. यह आप अपन ने शुरू में ही देखा था आपने कि ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल आपकी होती है. तो एक तो आप हाइपरलिंक के थ्रू आप फाइल को ऐड कर सकते हो, ऑडियो फाइल को आप ऐड कर सकते हो. एक ऑडियो टैग होता है उसके थ्रू आप यूज कर सकते हो. तो एक ऑडियो एसआरसी टैग यूज होता है, वो आप ऑडियो टैग उससे भी कर सकते हो और हाइपरलिंक से भी करते हो. AHREF तो AHREF तो दे नहीं रखा है. ऑडियो और वीडियो दो होती है. चूंकि ऑडियो मंगा है तो फर्स्ट का जो पोर्शन आएगा वो ए आएगा. So A is the correct answer. This A is the correct answer for audio file. अगर video file का पूछते तो video आता, और video में भी वही है, video VID. फिर which attribute is used to the ARL of an audio or video file? कौन सा specify करते हैं हम? तो source करते हैं SRC. URL का मतलब है उसकी लोकेशन. एग्जैक्टली मतलब उसकी लोकेशन क्या है वो बताने के लिए SRC यूज करते हैं. नेक्स्ट, विच टैग विल यू यूज टू इंसर्ट एन ऑडियो और वीडियो फाइल विद अल्टरनेट फाइल एक्सटेंशन. अब अल्टरनेट फाइल एक्सटेंशन की हम बात करें तो मतलब आपको ऑडियो और वीडियो फाइल लेना है और उसमें एक्सटेंशन कोई दूसरा देना है. तो सोर्स कीवर्ड से आप उसको देख सकते हो. विच टैग यू विल यूज इट टू इंसर्ट एन ऑडियो और वीडियो फाइल. ऑडियो और वीडियो फाइल इंसर्ट करना है दूसरे फाइल एक्सटेंशन से, तो सोर्स कीवर्ड से आप यूज कर सकते हो. सोर्स टैग को यूज कर सकते हो. फिर नेक्स्ट है, ए फ्रेम स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग. फ्रेम किससे स्टार्ट होती है? तो फ्रेम जो स्टार्ट होती है वो फ्रेम टैग से ही स्टार्ट होती है. ये फ्रेम सेट टैग से स्टार्ट होती है. तो ये फोर्थ का जो है वो सी आंसर आएगा.
फ्रेम सेट स्टार्ट विद द विज ऑफ द फॉलोइंग, फ्रेम सेट से ही में ही आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फाइव फॉलोइंग एचटीएमएल कोड्स, फ्रेम सेट 25%, 50 और रिमेनिंग, ये तीन चीजें इसमें दी हुई है। तो आप देखोगे कि तीन चीजों में फिर फ्रेम का नाम, नीचे फ्रेम का नाम इक्वल्स टू है फ्रेम नेम बी, फ्रेम नेम सी, तीन फ्रेम बने ही है और तीनों के नाम दे रखे हैं और फ्रेम सेट को क्लोज कर रखा है। तो ये तो कंफर्म हो गया तीन फ्रेम है, तो टू हॉरिजेंटल फ्रेम पहला नहीं हो सकता, टू वर्टिकल फ्रेम दूसरा नहीं हो सकता, थ्री हॉरिजेंटल फ्रेम और थ्री वर्टिकल फ्रेम, ये दो चीजें दे रखी है। तो अब चूंकि रोज का बोल रखा है हॉरिजेंटल फॉर्म में, तो फिफ्थ का सी जो पोर्शन है वो बचता है। अब उसमें कैसे हो रहा है, 25%, 50%, स्टार मतलब रिमेनिंग पार्ट, स्टार्ट की बात हो रही है मतलब रिमेनिंग पार्ट। तो स्टार्ट के लिए हम रिमेनिंग पार्ट यूज करते हैं। फिर बात करते हैं सिक्स्थ के, चूज द करेक्ट टू क्रिएट रेडियो बटन टू एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अब रेडियो बटन आपको लेना है, तो रेडियो बटन में क्या होता है कि इनपुट टाइप, आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं, इनपुट टाइप रेडियो बटन और इनपुट टाइप रेडियो। तो सिक्स्थ का बी जो पोर्शन है वो हो सकता है, हो क्या सकता है मतलब यही है, सी वाला नहीं होगा, रेडियो बटन, बटन कीवर्ड नॉट इंक्लूडेड इट विथ रेडियो, रेडियो के साथ बटन कीवर्ड यूज नहीं होता। नेक्स्ट, सेवेंथ, विच इज द यूज विद द सिलेक्ट टैग टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन फ्रॉम टू ए फॉर्म। अब सारे ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए ऑप्शन कीवर्ड से सिलेक्ट टैग यूज होता है, ऑप्शन टैग से सिलेक्ट टैग यूज होता है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर नेक्स्ट है मतलब सेवंथ का बी आएगा, फिर एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो यू कैन क्रिएट स्टाइल शीट, स्टाइल शीट यूजिंग द स्टाइल टैग इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये है करेक्ट स्टेटमेंट है। द लिंक टैग्स हेल्प यू टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, लिंक टैग में एक्सटर्नल स्टाइल शीट कीवर्ड यूज होता है, ये भी है। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज सेव्ड विद द डॉट सी एस एस फाइल, ये सी एस एस फाइल में रहता है, ये भी है। ए टैग इज यूज टू क्रिएट ए लिंक टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये नहीं होता है। तो ये फोर्थ का जो डी है, एट्थ का डी वो आएगा। तो एट्थ का डी वाला पोर्शन आपका करेक्ट होगा। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू अप्लाई येलो बैकग्राउंड कलर टू द H1 एलिमेंट, येलो कलर लेना है इसमें, तो H1 स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर और येलो, ये हेड में लेना है, H1 स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर और येलो। तो नाइन्थ का सी जो पोर्शन है वो आएगा। फिर टेंथ का है, विच ऑफ द वैल्यूज कैन नॉट बी यूज्ड विद द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो डबल है, डैश है, सॉलिड है। तो टेंथ का ए पोर्शन जो सिंगल है, ये सिंगल, दिस वैल्यू, दिस टाइप ऑफ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। अब क्वेश्चन आंसर हम पढ़ लेते हैं तो भी हमको क्लियर हो जाएंगे काफी कुछ कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। तो इसमें
सबसे पहली चीज ये आती है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेम इन एचटीएमएल। फ्रेम में क्या होता है, सेपरेट विंडो आती है। तो सेपरेट विंडो आने के लिए आपके पास एक पेज पे कई फ्रेम्स बनी होती है, तो एक ब्राउजर के पेज पे कई चीजें डिस्प्ले होगी, तो वो आपकी डिवाइड करती है। तो फ्रेम अलाउ अस टू डिवाइड द ब्राउजर विंडो इनटू मल्टीपल सेक्शन, कई सेक्शंस में वो डिवाइड करती है, एंड कैन कंटेन ए डिस्प्ले सेपरेट मेस वेब पेज, और वेब पेज को डिस्प्ले करती है, सारी चीजों को बताती है। फिर सेकंड है, हाउ डज एचटीएमएल हेल्प यू टू एम्बेडेड मीडिया फाइल्स ऑन ए वेब पेज। मीडिया फाइल वेब पेज पे कैसे आएगी, तो ऑडियो और वीडियो दो आपके पास टैग रहते हैं, मैंने अभी अपन ने डिस्कस करा। एचटीएमएल प्रोवाइड्स विथ ऑडियो एंड वीडियो टैग हेल्प यू टू एम्बेडेड ऑडियो और वीडियो फाइल, तो उससे हम ले सकते हैं ये चीज़। वी कैन क्रिएट ऑल्सो क्रिएट हाइपर लिंक्स भी कर सकते हैं टू कनेक्ट टू एन ऑडियो और वीडियो फाइल बाई यूजिंग द ए टैग। फिर नेक्स्ट है, राइट द एचटीएमएल क्रिएट टू टू वर्टिकल। अब वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल के लिए रोज होती है, वर्टिकल के लिए कॉल्स होता है, हैविंग द विड्थ 50% ईच एंड डिस्प्ले टू वेब पेज एबीसी एचटीएमएल और एक्सवाईजेड एचटीएमएल। तो फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल्स टू 50% और स्टार और फ्रेम एसआरसी एबीसी डॉट एचटीएमएल और एक्सवाईजेड डॉट एचटीएमएल और फ्रेम सेट क्लोज। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, फ्रेम सेट कॉल इक्वल्स टू 50% स्टार, मतलब दो बनेगी, एक 50% है तो सेकंड ऑटोमेटिकली 50% होगा, रिमेनिंग विल ऑटोमेटिकली 50%। ये ध्यान में रखने वाली बात है, मान लो या 25 होता तो 75% ऑटोमेटिकली टेक इट, फ्रेम एस आर सी ए बी सी डॉट एच टी एम एल, फ्रेम एस आर सी एक्स वाई जेड डॉट एच टी एम एल और फ्रेम सेट क्लोज। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, जो फ्रेम सेट जो टैग यूज होता है दैट इज ऑलवेज यूज इन हेड सेक्शन, हेड में यूज होता, बॉडी में यूज नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर नेक्स्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग टैग, फॉर्म इनपुट स्टाइल और लिंक। तो फॉर्म टैग इज ए कंटेनर एलिमेंट दैट इज यूज टू क्रिएट एचटीएमएल फॉर्म्स। अब देखो ये जो फॉर्म टैग है इसमें क्या क्या बनेगा, रेडियो बटन बनेगा, टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, बटन बनेगा, मतलब सबमिट बटन जो बनता है वो बनेगा। तो फॉर्म टैग से एचटीएमएल फॉर्म हम क्रिएट करते हैं। इनपुट टैग स्टार्टिंग होता है, इनपुट टैग इज यूज विद द फॉर्म टू क्रिएट कंपोनेंट्स ऑफ एचटीएमएल फॉर्म्स सच एज टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन, ये सारे। फिर नेक्स्ट है स्टाइल, द स्टाइल टैग इज यूज टू एम्बेडेड स्टाइल शीट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में यूज करने के लिए स्टाइल यूज करते हैं हम। दिस टैग इज प्लेस इनसाइड द हेड सेक्शन, हेड सेक्शन में यूज होता है। फॉर्म टैग से फॉर्म बनता है, इनपुट से स्टार्ट होता है फॉर्म टैग, सारे कंपोनेंट, लिंक से लिंक बनती है, लिंक इज अलाउड टू टू यूज एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। फिर गिव एन एग्जाम्पल टू अप्लाई अ बॉर्डर बैकग्राउंड कलर टू एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट विद यूजिंग सीएसएस बैकग्राउंड। तो बॉडी बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू कलर नेम, ये दिया है, बॉडी बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू कलर नेम, हेक्स आरजीबी वैल्यू, यही चीज है, हेड और बॉडी। तो ये सीएसएस के अंदर लिया, तो सीएसएस नॉर्मली हेड में यूज हो रही है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि बैकग्राउंड कलर, कलर नेम और कोई भी कलर आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, बॉडी कंटेंट ऑफ बॉडी और बॉडी क्लोज और एचटीएमएल क्लोज। ये चीज है,
फिर नेक्स्ट है फॉर द पर्पज आर फॉलोइंग सी एस एस प्रॉपर्टीज यूज, कलर किस पर्पज से यूज होती है, बॉर्डर स्टाइल किस पर्पज से, आउटलाइन कलर किस पर्पज से, फॉन्ट स्टाइल किस पर्पज से। अब देखो फॉन्ट स्टाइल में तीन चीजें होती है, अगर आप इसमें देखोगे तो रेगुलर, इटैलिक और बोल्ड, तो ये फॉन्ट स्टाइल होती है। रेगुलर मतलब नॉर्मल, इटैलिक और बोल्ड, ये तीन चीजें होती है। फिर बॉर्डर स्टाइल की बात करें तो दिस प्रॉपर्टीज यूज टू अप्लाई बॉर्डर विद अ डिफरेंट स्टाइल टू एचटीएमएल, सम वैल्यूज दैट कैन बी यूज विद बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, बॉर्डर प्रॉपर्टी आर डॉटेड, डैश्ड, स्लाइड, सॉलिड, डबल, ग्रुप, नन, ये सारी यूज होती है, ये बॉर्डर स्टाइल में यूज होती है। कलर, तो कलर तो मालूम ही है, कलर बॉडी के साथ ही यूज होगा, या हेडिंग के साथ यूज होगा, या पैराग्राफ के साथ यूज होगा, या फॉन्ट के साथ भी यूज होगा, यहाँ फॉन्ट मेंशन नहीं बट फॉन्ट के साथ भी होगा। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट कलर फॉर द नेक्स्ट टेक्स्ट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट, इनके साथ यूज होगा। डिफाइन द कॉल्स एंड रोज एट्रीब्यूट्स फॉर द फ्रेम सेट टैग, अब कॉल्स कॉलम के लिए फ्रेम सेट की, और रोज रो के लिए, और मैंने बताया स्टार यूज होता है तो रिमेनिंग पार्ट के लिए बताता है, वो रिमेनिंग पार्ट पिक्सल परसेंटेज दोनों हो सकते हैं, पिक्सल भी हो सकते हैं परसेंटेज भी हो सकते हैं। अगर पहले परसेंटेज यूज करें तो परसेंटेज आएगा, और पहले पिक्सल यूज करें तो पिक्सल आएगा। परसेंटेज को 100 मेजर करा है, और पिक्सल को अप्रोक्सीमेटली 1000 को 20 माना है। तो द कॉलम एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइज एंड कॉलम इन ए फ्रेम सेट, वी कैन स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ हिस कॉलम बाय गिविंग वैल्यू इन पिक्सल और परसेंटेज सेपरेट देम बाय कॉमास, वी कैन ऑल्सो यूज द एसर्टिक सिंबल इन द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग पिक्सल। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ लिंक टैग, लिंक यूज करने के लिए एक्स्ट्रा लिंक टैग अलाउ अस टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में स्टाइल एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज करने के पर्पस से यूज होता है। दिस टैग इज इंक्लोज विद इन द हेड सेक्शन, हेड सेक्शन में यूज होती है, एग्जाम्पल भी दिया है पहले, जैसे सिंटेक्स है, सिंटेक्स का मतलब होता है फार्मूला, इफ यू आर अप्लाइंग दिस थिंग यू कैन अप्लाई एवरीवेयर। लिंक आर ई एल इक्वल्स टू स्टाइल शीट, फिर टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक सी एस एस, अगर उसका टाइप टेक्स्ट फाइल लेना तो टेक्स्ट आएगी, और सी एस एस लेना तो सी एस एस, और एच आर ई एफ यू आर एल पूरा यू आर एल। फिर एच टी एम एल हेड लिंक आर ई एल इक्वल्स टू स्टाइल शीट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट सी एस एस, एच आर एफ इक्वल्स टू माई स्टाइल शीट डॉट सी एस एस, ये उसमें लगाया है, और हेड के अंदर ही आती है सी एस एस फाइल जो बनती है, वो हेड के अंदर ही बनती है, हेड और बॉडी, फिर एच वन पी वन और बॉडी और क्लोज। तो ये आपकी लिंक हो जाती है, जिससे आप सी एस एस फाइल क्रिएट कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन द कलर एंड बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, इन सी एस एस द कलर प्रॉपर्टी इज यूज द सेट द फोरग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर, वेयर एज बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज द बैकग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड कलर मतलब फ्रंट में रहेगा, और बैकग्राउंड कलर मतलब बैक में रहेगा, ये दोनों में डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर टू एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यूजिंग द सी एस एस बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, सी एस एस लिया तो बॉडी, एच टी एम एल हेड बॉडी बैकग्राउंड डैश कलर, और कलर का नाम हेक्स आर जी बी वैल्यू, जो भी लेना हो आर जी बी वैल्यू जो है वो दे सकते हो, या फिर हेक्सा डेसिमल वैल्यू भी दे सकते हो, और कलर का डायरेक्ट नाम भी आप दे सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू। फिर हेड क्लोज बॉडी, बॉडी क्लोज एच टी एम एल। फिर व्हाट फॉर व्हाट पर्पस आर द फॉलोइंग सी एस एस प्रॉपर्टी यूज,
कलर, बॉर्डर स्टाइल, आउटलाइन कलर, फॉन्ट स्टाइल। कलर दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट ए कलर फॉर द नेक्स्ट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट सच एज बॉडी, हेडिंग, पैराग्राफ। ये तो लेते ही हम बॉर्डर स्टाइल, ये एग्जैक्टली रिपीट ही हो गया क्वेश्चन ये। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ सी एस एस। सी एस एस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सी एस एस। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट अपना फर्स्ट का बी वाला पोर्शन आ रहा है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सी एस एस प्रॉपर्टी यू टू रैप द टेक्स्ट अराउंड एन इमेज। इमेज में टेक्स्ट रैप करने के लिए फ्लोट करते हैं अपन, फ्लोट फ्लोट यूज करते हैं सी एस एस प्रॉपर्टी में टेक्स्ट को रैप करने के लिए। रैप का मीनिंग ये होता है कि मल्टीपल लाइन में चीजों को डिस्प्ले करना, उसका मीनिंग होता है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक टू एन ऑडियो फाइल। अब हाइपरलिंक करना है ऑडियो फाइल में, तो वैसे ऑडियो फाइल इससे देंगे, पर ए एच आर ई एफ सेकंड का बी ऑप्शन आप ले सकते हो, और डी भी ले सकते हो यूं तो, क्योंकि ऑडियो फाइल के लिए ऑडियो लगता है, बट अगर ऑडियो फाइल देने के लिए ऑडियो लगता है, पर अगर हाइपरलिंक क्रिएट करना है, हाइपरलिंक के थ्रू देना है, तो ऑडियो एस आर सी लगता है। ऑडियो टेक ऑडियो फाइल को ऐड करने के लिए लगता है, पर अगर हाइपरलिंक की बात आ रही है तो ए एच आर ई एफ ही लगता है। नेक्स्ट, विच एच टी एम एल फीचर विल यू यूज टू ओपन ए मल्टीपल वेब पेज इन वन विंडो। अब मल्टीपल वेब पेज तो आप समझ ही सकते हो फ्रेम के थ्रू होता है, तो फोर्थ का ए पोर्शन आएगा। फिर नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू क्रिएट ए सबमिट फॉर्म। फॉर्म सबमिट करने के लिए फिफ्थ वाला जो है, तो सबमिट बटन आता है, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट ये लगेगा। फिर नेक्स्ट है, एन एच टी एम एल फॉर्म स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। एच टी एम एल फॉर्म किससे शुरू होता है, तो फॉर्म टेक्स्ट बेसिकली अगर आप ऐसे देखें तो इनपुट टेक्स्ट से ही शुरू होता है। यूं कोई भी फॉर्म की आप वैल्यू देखते हैं, तो इनपुट टाइप से ही आप उसमें लिखेंगे, लेकिन फॉर्म कीवर्ड पहले आता है, तो सबसे पहले फॉर्म कीवर्ड आता है। तो एचटीएमएल फॉर्म स्टार्ट विथ फॉर्म टैग, ये रहा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के बाद इनपुट टैग लगता है, लगते दोनों ही है बट फॉर्म टैग लगता है, तो सिक्स्थ का सी होगा। फिर नेक्स्ट है सेवंथ, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू सेट द टॉप मार्जिन ऑफ ए पैराग्राफ। टॉप मार्जिन पैराग्राफ की सेट करना है। तो पी से पैराग्राफ रहते ही ये मार्जिन सेट करने के लिए, टॉप मार्जिन इक्वल्स टू पिक्सल, और फिर मार्जिन इक्वल्स टू पिक्सल। तो पैराग्राफ पी टैग जो है वो यूज होता है। अब सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं अलग अलग,
एच सेट होगा, पी सेट होगा, मार्जिन सेट होगा, कलर सेट होगा, जैसे पी से बैकग्राउंड कलर सेट हो रहा है, तो मार्जिन लेफ्ट इक्वल्स टू पिक्सल, टॉप मार्जिन इक्वल्स टू पिक्सल, पिक्सल में ही सेट होगा ये चीजें, 40px, 30px ऐसा लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन टॉप मार्जिन को सेट करने के लिए। तो मार्जिन डैश टॉप जो होता है वो यही होता है, तो 7 का C टॉप के लिए मार्जिन टॉप, राइट के लिए मार्जिन राइट, बॉटम के लिए मार्जिन बॉटम, लेफ्ट के लिए मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन कीवर्ड कॉमन है। फिर 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब ऐसे तो सही है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें हम ये बोल सकते हैं, बट आउटलाइन ये सी वाला जो है, यू कैन नॉट सेट एन आउटलाइन, ये नहीं होगा। फिर 9th है, विच ऑफ द दिस एट्रीब्यूट इज यूज विद द फ्रेम सेट टेक। फ्रेम सेट टेक में कौन कौन से होते हैं, तो कॉल्स और रोज दोनों होते हैं, तो सी एंड बी बोथ। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दें, आई विल सॉल्व इट, और या फिर मैसेज कर दें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।